प्योर रोमांस और मेलेडी में जो होता है, इंडियन मेलेडी में जो चीजें होती है, उस तरीके से हमने इस चीज को लेके आया है, और मेलेडी बहुत ज्यादा हमने सिंपल रखी है। उसी तरीके से ये गाना भी लोगों की आत्मा में समाना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन था इसको बनाने का। तेजस वी प्रकाश और करण कुंद्रा के जो फैंस है, दे आर टेकिंग इट ऑन डिफरेंट लेवल। श्रेया घोषाल मैम के जो फैंस है, श्रेया घोषाल मैम का जो एक फैंडम है, दे आर लविंग इट। और स्टेबिन बेन के फैंस, लाइक यू नो, दे आर टेकिंग इट टू डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर, दे आर सेलिब्रेटिंग इट। हाय गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फीफा फूज पे, एंड हियर आई एम आपकी होस्ट एंड दोस्त विदांगी कर्णिक। टुडे वी हैव अ वेरी वेरी स्पेशल, एक्चुअली एक नहीं दो दो स्पेशल गेस्ट है, द कंपोजर डियो जो हम तक बारिश आई है, आप सबके फेवरेट जो तेजस की करण है, उनका जो म्यूजिक वीडियो रिलीज हो रहा है। उसके पहले ऑफकोर्स सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है म्यूजिक कंपोजर का, लिरिसिस्ट का। So, जो म्यूजिक बनाते हैं और उसके बाद आपके आर्टिस्ट उस पे परफॉर्म करते हैं। सो वी हैव मोहसिन एंड जावेद द कंपोजर डियो हियर। हाय गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है फीफा फूज पे। हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? सुपर, वी आर फाइन वेदांगी, सो गुड टू हियर यू, यू साउंडिंग सो एनर्जेटिक। थैंक यू सो मच। वी ऑल आर फाइन, डूइंग गुड, एंजॉयिंग रेन्स। Absolutely. अब तो बारिश आई है, like while I'm talking to you, it's raining outside. So I'm like, क्या बारिश आई है, और कल से तो प्यार की बारिश और दुगनी होने वाली है, 10 times, 20 times होने वाली है, because the song is coming out. So how excited are you guys कि फिर एक बार आपका एक नया गाना आने वाला है, and you must have worked so very hard behind the you know screens, like जो कैमरा पे आते हैं उनको तो appreciate किया ही जाता है, but the people who actually work behind the cameras and the whole music has come out together. So, Mohsin, can you tell us something? How did you guys go on with composing for Barish Aayi Hai? Kya kuch special cheeze aapne sochi thi us bare mein? How did you guys execute it? To jab humko kaha gaya ke you know Barish ke upar gana banana hai, and already viral originals ne last you know 2 saal mein unhone already blockbuster gaane diye hai, Barish aur Barish Aayi Hai, Barish Ban Jana, yeah. To ek you know ek अलग तरीके से थोड़ा सा बारिश आई है जो हमने अभी बनाया, उसको एक बहुत सिंपल मेलेडी रखी है, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाइज बहुत ज्यादा हमने यू नो ज्यादा आउट एंड आउट वेस्टर्न करने की कोशिश नहीं करी, एक थोड़ी सी एक यू नो जो अपनी अपनी देसी एक मिट्टी की खुशबू है, जो एक प्योर रोमांस और मेलेडी में जो होता है, एक इंडियन मेलेडी में जो चीजें होती है, उस तरीके से हमने इस चीज को लेके आया है, और मेलेडी बहुत ज्यादा हमने सिंपल रखी है, यू नो, क्योंकि हम हमेशा एक चीज को ध्यान में रखते हैं कि सिंपल मेलेडी जो होती है वो बहुत ज्यादा स्टैंड आउट होती है और बहुत ज्यादा वन एंड वन होती है। तो इसको लिखा है कुणाल वर्मा ने, और इसको गाया है श्रेया घोषाल मैम और स्टेबिन बेन ने, और बहुत अच्छे तरीके से ये गाने को यू नो हमने एग्जीक्यूट किया है, और बहुत ज्यादा इसको एक खूबसूरत बनाने की कोशिश करी है, और बारिश का गाना बनाने की कोशिश करी है, अब देखो ऑडियंस को कैसे पसंद आता है। Absolutely. Javed, I would love to know from you ki kya aapko barish pasand hai, and are you a barish person, and ye jab gana aapko compose karna tha to aapke real feelings kya uske according aapke music us tarike se gaya hai, what would you like to tell us about it? To me barish is my favorite season from childhood. Okay, school nahi jane ka bahana barish hoti thi, ठीक है, हम बम्बई में रहते हैं तो पानी जल्दी भर जाता था, तो बच्चों को जरा ये एक तरह का एक्साइटमेंट आता था बचपने में कि स्कूल नहीं जाना है, ठीक है, छुट्टी मारनी है, बंक करना है, सम काइंड ऑफ अ थ्रिल ऑल टुगेदर। बट जैसे जैसे माय जर्नी स्टार्टेड इन म्यूजिक, आई लर्न सारंगी फ्रॉम इन चाइल्डहुड, तो बारिश के अंदर आई यूज टू प्रैक्टिस ऑन माई टेरेस, टेरेस के अंदर एक बहुत बड़ी टंकी थी, उसके नीचे हम बैठे, बाहर बारिश हो रही है, आई यूज टू प्रैक्टिस, एंड इट वॉज अ मतलब वो आज भी मेरे कान में वो साउंड है। तो बारिश से एक तरह का रिलेशन है, बूंदे जो टपकती है उसमें भी एक सुर होता है, उसमें भी एक रिदम होती है, ख्याल होती है। तो बारिश ब्रिंग्स बैक म्यूजिक इन अस, यू नो, एंड एज आई वॉज मेंशनिंग बिफोर ऑल्सो कि फ्रॉम चाइल्डहुड एंड इन योर लाइफ एक्सपीरियंस यू हर्ड लॉट ऑफ सॉन्ग्स ऑन रेन, यू नो, बड़े चुनिंदा गाने
मतलब ऐसा नहीं कि इसके ऊपर बड़ी चुनिंदा गाने और बड़ी सुपरहिट गाने बिच, जैसे जो भी म्यूजिक आप जिंदगी भर सुनते हैं तो उससे आपकी जिंदगी में और आपके कैरेक्टर में एक म्यूजिक बिल्ड होता है, दैट्स व्हाट आई बिलीव. सो व्हेन वी वर गिवन दिस अपॉर्चुनिटी टू डू दिस बारिश सॉन्ग एंड अपेरेंटली आई फील मोस्ट दिस इज आवर फर्स्ट बारिश सॉन्ग. ऐसी मेलेडी होती है जिस तरह बारिश के अंदर आप भीगते तो पानी आपके पूरा अंदर समा जाता है और वो मूड आ जाता है आपको, उसी तरीके से ये गाना भी लोगों की आत्मा में समाना चाहिए, ये हमारा इंटेंशन था इसको बनाने का. क्या बात है, सुपर्ब. एंड मोहसिन, जैसे अभी आपने कहा कि बारिश के दो साल ऑलरेडी गाना आ चुका है, दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर की वायरल ओरिजिनल्स बारिश के ऊपर गाना लेकर आ रहा है. पहले शिवांगी मोहसिन थे, उसके बाद शाहिर एंड हीना खान, एंड नाउ दिस ईयर इट्स तेजस्वी एंड करण. सो जब आप दोनों इसके ऊपर कंपोज करने के लिए जब बैठे, क्या आपको पता था कि तेजस्वी करण दोनों ऑन बोर्ड है, स्टेबिन एंड श्रेया ऑन बोर्ड है, या फिर उसके बाद वो ऑन बोर्ड आए, लाइक हाउ वाज द होल सिनेरियो बैक देन? अब ये जब हम गाना कंपोज कर रहे थे तब हमको ये नहीं पता था कि यू नो तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा इसमें फीचर करेंगे, हमको बिल्कुल भी नहीं पता था. तो हमको सिर्फ ये था हमारे को कि ये जो गाना है ये इसको कितना खूबसूरत बनाया जाए और कितना सिंपल मेलेडी बनाया जाए, और सिंस इट्स अ रेनी सीजन सॉन्ग तो लिरिकल थॉट के ऊपर कितना डीपली काम करा जाए बाय कीपिंग इन माइंड दैट इट शुड बी अ वेरी सिंपल. आप समझ रहे हो कि गाना जब एक मेलेडी बनती है और जब एक गाना बनता है तो उसको बहुत ज्यादा ध्यान में ये रखना पड़ता है कि ये मास क्लास और हर तरीके की जो ऑडियंस है यू नो उस उन सबको एक जैसा यू नो आप केटर करो. लाइक यू नो अगर मेलेडी है तो आप ज्यादा वेस्टर्न जा रहे हो या ज्यादा आप उसको उसका जो एक एसेंस होता है उसका फील नहीं दे पा रहे हो तो वो यू गो समवेयर आउट. लाइक इफ यू आर डूइंग समथिंग like you know थोड़ा सा आप high energy कर रहे हो तो you can you know take it on a different level, but when you do a soulful melody or when you do a romantic song तो उसमें बहुत ज्यादा होता है कि इसको कितना simple रखा जाए. तो हमने उस तरीके से गाना तैयार किया और फिर we are blessed that श्रेया मैम को ये गाना सुनाया गया and श्रेया मैम को बहुत अच्छा लगा and she agreed to like you know sing this song. तो गाना आपका ऑटोमेटिकली बहुत बड़ा हो जाता है when Shreya ma'am sing the song and she liked the melody. और उसके बाद में Stebin Ben he also loved the melody. Stebin Ben ने भी गाया और उसके बाद में आहिस्ता आहिस्ता करते 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 गाने ने एक अपना अलग मोड़ लेना चालू किया. Then we did lots of live instruments in this. You'll hear santoor, you'll hear lots of different guitars to like you know to make it a more romantic, thoda sa depth mein karne ke liye. Then we have used lots of string sections. You know, we have used 18 violin, then 8 violas, then 4 cellos to make it larger than life. Like you know. Wow. तो बहुत गाने को बहुत ज़्यादा deeply बनाया गया और उसके बाद में जब हमने गाना viral original को सुना and they loved it and after that they bought Tejasvi Prakash and Karan Kundra on board. When we came to know that they are featuring in video, तो बहुत अच्छा लगा because उन लोग बहुत you know they are a big celebrity और बहुत ज़्यादा उन as a couple उनका बहुत ज़्यादा एक अलग fandom है. जी. उनके fans को बहुत पसंद आया. The fans are very excited. अभी तो सिर्फ teaser आया है and they are going crazy all over. Absolutely. जावेद, यही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ because तेजस्वी करण दोनों बाद में on board आए and of course you must have been knowing कि किस तरीके का क्रेज है तेजस्वी करण का, तेजरन का इन फैंस. तो जब
आपको पता चला कि दिस इज द सॉन्ग दैट यू हैव मेड एंड अभी इसमें तेजस्वी करण दिखाई देंगे, श्रेया एंड सेबिन गा रहे हैं, दैट्स आल्सो देयर. सो आपको वो फील कैसी बैठ रही थी प्रॉपर कि मैं हमने जो गाना कंपोज किया है वो इनके ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, आपको ऐसे लगा कि उसके बाद थोड़े से कुछ और चेंजेस करने चाहिए, इसे और थोड़ा सा रोमांटिक बनाए या फिर और ज्यादा अपीलिंग हो, या फिर यू वर लाइक ओके वन टेक हमारा सॉर्टेड है एंड आई थिंक ऑडियंस इसको फैंस को पसंद आएगा, या फिर आप को थोड़ा सा लगा कि कुछ चेंज करे या फिर कुछ यू नो चैलेंजेस ऑफ कोर्स आते ही है, सो क्या ऐसा कुछ हुआ था आपके ये गाने पर? जी बेसिकली जब हमने गाना बनाया तो जैसे मुकिन ने कहा कि वी डिडंट इमेजिन हु इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द टीम, बट हमने बड़े दिल से अपनी जो कंपोजिशन बड़ी ईमानदारी से बनाया और अब जो ये सारी टीम इकट्ठी हो गई एंड एवरीवन इज लाइक अ another feather in the cap and अब ये हो गया कि पहले तो हमें बारिश का सोचा था कि बारिश का गाना बनाएंगे, अब ये इंशाल्लाह तूफानी बारिश होगी, you know, मोहब्बत का तूफान बरसेगा तो ये पूरी दुनिया में मोहब्बत फैलाएगा, जैसे बारिश फैलती है वैसे मोहब्बत है, so we are very happy and we love our competition and we don't feel that इसके अंदर कोई इसके साथ में जस्टिस हुआ है, पूरी ईमानदारी हुई है. क्या बिल्कुल बात? बिल्कुल, we are very happy, we are very happy. Absolutely, and this is also the consecutive third year ki you know ye gana aa raha hai, and ab dono se main zarur janna chahungi how was your experience working with Viral Originals, unka I think ek trilogy type ban chuka hai, isme aapka naam bhi aa gaya hai, this is a beautiful song that people are waiting for, so how was the experience both of you working with Viral? Talking about Viral, their entire team, okay, sare log bahut hi you know बहुत अच्छे लोग हैं एंड दे गिव एक आर्टिस्ट को एक चाहिए फ्रीडम, यू नो क्रिएटिव फ्रीडम चाहिए एंड दे गिव द ब्रीफ एंड दे बिलीव इन अस, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दे गिव लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू आर्टिस्ट विच आई एंड मी एंड मोशन विच वी रिस्पेक्ट देम अ लॉट फॉर दैट एंड एक खुला हाथ दे देते हैं कि भाई आप अपना क्रिएटिवली क्या कर सकते हैं एंड दे मेक इट लार्जर देन लाइफ, सो वी आर वेरी हैप्पी विद दैट. I truly agree with Javed bhai, what Javed bhai has just said. और सबसे सबसे पहला जो गाना हमने वायरल, this is our second song with Viral Original, जो पहला गाना हमने किया था प्यार करते होना, जिसको अगेन श्रेया मैम और स्टेबिन बेन ने गाया था, अगेन इट वॉज अ रोमांटिक सॉन्ग, तो बहुत ज्यादा लोग बाबू को पसंद आया, वो हमारा पहला गाना था वायरल के साथ, और उसके बाद में दिस इज आर सेकेंड सॉन्ग. तो वायरल ओरिजिनल दे नो हाउ टू मेक अ बिग सॉन्ग एंड दे रियली बिलीव इन आर्टिस्ट, दे गिव फ्रीडम टू आर्टिस्ट और उनको एक तरीके से एक थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है गाना बनाने में, गाना एक्सप्लोर करने में. सबसे बड़ी बात ये होती है कि अगर एक प्रोड्यूसर एक लेबल अगर आपके गाने को आप जितना भरोसा कर रहे हो अपनी कंपोजिशन अपनी मेलेडी पर अपने म्यूजिक पर उतना ही अगर वो भरोसा करे तो उसका जो कलर जो एक आउटकम जो आता है वो एक अलग लेवल कर ही उठ के आता है, यू नो, और बड़ा गाना बनता है. तो ऑल थैंक्स टू वायरल ओरिजिनल्स फॉर बिलीविंग इन अस, बिलीविंग इन आवर मेलेडी एंड मेकिंग द लार्जर देन लाइफ सॉन्ग्स. Absolutely. And आपका जब ये टीजर आया कल तो इट्स ऑलरेडी ऑन ट्रेंडिंग, कल से ट्रेंडिंग पे, आज भी 15 पे है, कभी 16 पे है, कभी 12 पे है, सो यूट्यूब पे म्यूजिक में ट्रेंडिंग पे ही है. एंड इससे क्या आपको फीलिंग आ रही है, बिकॉज यू नो ये तो बस टीजर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, इट्स कमिंग टुमारो, सो क्या एक्सपेक्टेशन है आपके, क्या फीलिंग है अंदर से, कैसा फील हो रहा है, क्वेश्चन फॉर बोथ ऑफ यू. Normally when we make a song, हर गाने की एक अपना नसीब होता है, ठीक है ना, हम अपनी पूरी ईमानदारी से we keep our best foot forward and we make the song and rest is the office of, obviously ये intention से बनाते हैं कि hit हो and we pray for that and ये लोगों का आशीर्वाद है, प्यार है जो मिल रहा है and we are very delighted and जैसे कि हम मैंने बताया कि गाना बना के हम छोड़ देते उसका नसीब है वो एंड वी हैव बीन वेरी लकी, थैंक्स गॉड के ये माँ बाप का आशीर्वाद है कि वी हैव बीन वेरी लकी एंड
यू आर गेटिंग द राइट टीम एंड और ये आमद अच्छी आ रही है, अच्छा गाना बनाने की आमद आ रही है, इट्स काइंड यू नो, सो एंड इट्स वेल रिसीव्ड, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, इट्स वेल रिसीव्ड. यस मोहसिन, बहुत अच्छा लग रहा है, एक एक्साइटमेंट जो क्रिएट हुआ है और जो लोग भावों को बहुत पसंद आ रहा है, टीजर टीजर का म्यूजिक, थीम म्यूजिक, तो बहुत अच्छा लग रहा है, लोग बाग उसको पसंद कर रहे हैं और तेजस्वी प्रकाश और करण कुंद्रा के जो फैंस है, दे आर टेकिंग इट ऑन डिफरेंट लेवल. श्रेया घोषाल मैम के जो फैंस है, श्रेया घोषाल मैम का जो एक फैंडम है, दे आर लविंग इट. और स्टेबिन बेन के फैंस, लाइक यू नो, दे आर टेकिंग इट टू डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर, दे आर सेलिब्रेटिंग इट. एक चीज yes. जब आपके आती है और जो अच्छी होती है तो फैंस जो होते हैं, जो ट्रू फैंस होते हैं, दे सेलिब्रेट इट, दे यू नो, दे मेक इट एज अ फेस्टिवल. तो बहुत ज्यादा आई वुड लाइक टू ऐड टू मोशन, आजकल क्या हो गया ना, लोग ऑडियंस जो है ना वो अच्छे कान के हो गए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. ऑफ कोर्स ऑडियंस तो अच्छे ही है, ऑडियंस यू नो बोलते हैं ऑडियंस इज गॉड एंड बट दे आर वेरी यू नो दे नो व्हाट इज what is right for क्या गाने का क्या गाना है, अच्छा है क्या है, so they are paying more attention and they are जैसे मोहसिन ने अभी बोला कि वो जो क्रिएट करते हैं उनके ऊपर ध्यान देते हैं, जिसे लिखा उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो ऑडियंस बड़ी जागरूक हो गई है, बहुत जागरूक है, या ऑडियंस बड़ी जागरूक हो गई, they are very vocal about it, so we are really really very happy and as Mohsin said कि we are also getting from fans, okay, plus from our colleagues in the industry and from other stars also, they are also wo log bhi tareef kar rahe hain. Can you tell us about some appreciation coming in from the celebs from the industry? No, naam lena theek rahega kya? You can say, no, lots of friends are there, lots of friends. Any special message that you want to share? Any किसी special celebrity ने कोई आपके काम के बारे में कुछ बोला हो तो please do share with us. एक जैसे स्टीवन ने बोला कि मैं, मुझे गाना इतना पसंद है कि मैं बारिश में गाड़ी में लगा के ये गाना सुन रहा हूँ and enjoying it. Okay. Plus काफी सारे actors actresses हैं जो हम जिनके साथ में हमने काम किया है and they are also you know very excited about this. So usually when we do a song or when we make a song, so before release we like you know make our colleague hear it and everybody क्या होता है कुछ लोग ऐसे हैं हमारे जो friends हैं और जो हमारे colleagues हैं they are very this thing you know वो बहुत blunt है वो बोलते हैं अच्छा है तो अच्छा है नहीं अच्छा है तो वो it's not working you know मजा नहीं आ रहा है और जो अच्छा है उस चीज को बोलते हैं yes ये गाना तुम लोगों का चलेगा और ये गाना अच्छा लग रहा है. तो ये गाने के लिए जिन जिन्होंने भी सुना है लाइक सॉन्ग इज साउंडिंग वेरी प्रॉमिसिंग और सॉन्ग इज साउंडिंग बिग और बहुत अच्छा लग रहा है और ये गाना होपफुली सबको पसंद आएगा. क्या बात है. As you said कि आपने अभी आपका गाना ऑफ कोर्स देखा आपके कलीग्स के साथ भी, so when you saw the song तेजस्वी करण की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? I'm sure the fans would love to know coming in from the composers themselves, आपने कंपोज किया गाना, so as a viewer जब आप इस गाने को देख रहे थे तेजस्वी करण की केमिस्ट्री आपको कैसी लगी? उनका काम इन द वीडियो, can you tell us, describe it a little. They have done justice with the song or they made it they've taken the song on another level, they made it larger than life. Director Aditya Dutt has shot it on a very big scale aur bahut acche tarike se gaane ko justice kiya gaya hai aur it's looking good to सबसे बड़ी बात ये होती है जब आप गाना इतना मेहनत से बनाओ और इतने लार्ज स्केल पर बनाओ और जब वो इतने अच्छे लेवल पर शूट होता है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है और चेरी ऑन द टॉप वी हैव श्रेया घोषाल मैम, वी हैव स्टेबिन बेन, वी हैव करण कुंद्रा, तेजस्वी हु आर ऑलरेडी एट टॉक ऑफ द टाउन, तो वो बहुत अच्छा लगता है कि लाइक यू नो दे आर देयर, सो थोड़ा सा लग रहा है कि लोग बाग
इसको पसंद एक ग्लोबल अपील आ गई, ग्लोबल अपील आ गई ऐसा लग, ग्लोबल अपील, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो हैव यू गाइस मेट आफ्टर दिस सॉन्ग, भले वो श्रेया हो, सिबिन बेन, तेजस्वी करण, डिड यू गाइस मीट, डिड यू गाइस सी द वीडियो टुगेदर, या फिर आप कल सब एक साथ मिलके वीडियो देखने वाले हो, लाइक एनीथिंग वुड यू लाइक टू टेल अस, सो बिहाइंड द स्क्रीन का कुछ चीज आप बता सको. टुमारो वी ऑल विल बी टुगेदर और हम सब साथ में मिलके वीडियो देखेंगे. हमने कुछ कट्स देखे हैं और कुछ यू नो फुटेजेस देखे हैं और इट्स लुकिंग अमेजिंग और एवरीबॉडी इज वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो एंड वी होप सो सबको अच्छा लगे और पसंद आए गाना, लोग बाग गाने को सराहे, लोग बाग गाने को सुने और इसको हिट बनाए. जावेद, would you like to add something? आपके माध्यम से मैं लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से हम दोनों शुक्रिया अदा करना चाहेंगे. अब तक की हमारी जर्नी रही, आप लोगों ने हमको इतना प्यार दिया है और इतना सराहा है, इसके लिए थैंक यू वेरी वेरी मच. और ऐसे ही प्यार की बारिश बरसाते रहे. Yes, and बारिश कल से शुरू होने जा रही है, so all the very best once again for बारिश आई है. Thank you so much. I'm sure पिछले दो गानों का रिकॉर्ड जरूर एक गाना तोड़ेगा and all the very best. Thank you so very much. Thank you so much, Vedangi, for like you know giving your time. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you. Same here. Goodbye. Thank you. Bye. Take care. Bye. Bye.